हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कोच एंड मेक्स योर ड्रीम्स ट्रू। आज हम आपको क्राउन रूल के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले पिछले वीडियोस में मैं कंपनी रूल के बारे में बताया था, तो कंपनी रूल के अंदर जितने भी एक्ट्स थे उनके बारे में मैं ब्रॉड एक्सप्लेन करके बताया था, और उसमें मेन मेन टॉपिक्स मतलब मेन मेन पॉइंट्स जो एक्ट के तहत हुई थी उसी चीज को हम बताए थे। ज्यादा ब्रॉड में नहीं जाना है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो पॉइंट्स बाय पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, और पॉइंट्स मतलब जितना आ रहा है एसएससी में, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो हम आज बताएंगे आपको क्राउन रूल के बारे में, ठीक है? तो ये क्राउन रूल रहा। क्राउन रूल मतलब हो जाता है आपका 1858, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उसके बाद इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट तक, मतलब 1858 से लेकर के 1947 के एक्ट के बीच में जितना भी मतलब जितना भी एक्ट वगैरह आया था उन सभी को हम लोग क्राउन रूल नाम देते हैं, है ना? तो आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। क्राउन रूल 1858 to 1947, ठीक है? तो सबसे पहला आता है आपका क्या, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये हुई थी आपकी 1858 में, ठीक है? 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुई थी इसके तहत पहला जो पॉइंट था ये क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मतलब आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ये एक्ट पारित हुआ था, मतलब पारित नहीं आया था। तो इस एक्ट के तहत सबसे पहले हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था। मतलब जो पद गवर्नर जनरल का था उस पद को चेंज करके वो लोग वाइस रॉय ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिए थे इस एक्ट के तहत, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अब देखिए, जब वाइस रॉय ऑफ इंडिया हो गया तो फिर कोई ना कोई तो वाइस रॉय ऑफ इंडिया बने होंगे, तो उनका नाम था हमारा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि सबसे पहला वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन बने थे। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि वाइस रॉय मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कन्वर्ट कर दिएगा वाइस रॉय ऑफ इंडिया में, तो ये किस एक्ट के तहत हुआ था। तो हम लोग डायरेक्ट टिक कर देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया आफ्टर द गवर्नमेंट एक्ट 1858, तो आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है? अब देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोग बताए थे कि डुअल गवर्नमेंट अर्ज किया गया था, मतलब डुअल गवर्नमेंट बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जस्ट लाइक दैट। वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे, गवर्नर मतलब और इंडियन गवर्नमेंट होते थे। तो इस तरह का तरीके का मतलब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत डुअल गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था, और इस एक्ट के तहत उसी चीज का एबोलिश हो गया, मतलब खत्म कर दिया गया डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को। तो यहां तीसरा पॉइंट मतलब दूसरा पॉइंट आता है कि डुअल गवर्नमेंट इज बीइंग एबोलिस्ड। एबोलिस्ड, होप आप लोगों को विजुअल होगा ये चीज। डुअल गवर्नमेंट इज बीइंग एबोलिस्ड, मतलब आपका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनको हटा दिया गया। कुछ नहीं, वाइस रॉय ऑफ इंडिया एक्ट करेंगे, मतलब यही काम करेंगे। डुअल गवर्नमेंट को कंप्लीटली एबोलिश कर दिया गया था। और इसमें सबसे बड़ा बात है, तीसरा जो पॉइंट आता है वो आपका आता है, मैं बता रहा हूं इसको इरेज करके। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका एस्टेब्लिशमेंट, मतलब आपका एस्टेब्लिश किया गया था 15 मेंबर ऑफ काउंसिल को, इंडियन को मतलब काउंसिल ऑफ इंडिया को असिस्ट किया था सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया के तहत, मतलब 15 मेंबर्स जो थे, 15 मेंबर्स को 15 मेंबर्स को मतलब काउंसिल ऑफ इंडिया में डाला गया, काउंसिल ऑफ इंडिया में डाला गया।
और यही 15 मेंबर्स को सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब यही 15 मेंबर्स को काउंसिल ऑफ इंडिया में डाला गया और इन्हीं को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हम लोग कहते थे। तो इस एक्ट के तहत ये तीन इंपॉर्टेंट काम हुआ था, और ये तीन इंपॉर्टेंट काम जो हुआ था इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्ट पे आता हूं, है ना। नेक्स्ट एक्ट पे हमारा क्या था, इंडियन काउंसिल एक्ट, दूसरा जो एक्ट था वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। और 1861 के साथ साथ हमारा आ जाता है आपका 1892 और 1909, ये भी आपका इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत आता है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे आपका 1861 के बारे में, ठीक है। तो 1861 में जो एक्ट पास हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें हमारे आप भी जानते होंगे कि 1862 में मतलब वॉइस रॉय कौन थे, आपका लॉर्ड कैनिंग। यह है जो इंडियन काउंसिल एक्ट में मतलब तीन मेंबर्स को अपॉइंट किए थे, और वो तीन मेंबर्स कौन कौन थे मैं बताना चाह रहा हूं। मतलब इस एक्ट के तहत 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो हमारे वाइस रॉय थे, वो तीन मतलब इंडियंस को अपने इंडियन मतलब ये काउंसिल में मतलब शामिल किए थे। तो वो पहला जो था वो राजा ऑफ बनारस, दूसरा जो थे राजा ऑफ पटियाला, और तीसरा जो थे हमारे सर दिनकर राव। इन तीनों को इंडियन काउंसिल में ऐड किया गया, और वो किनके द्वारा, 1862 में जो वाइस रॉय थे हमारे लॉर्ड कैनिंग, मतलब पहले पिछले एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हुई थी उसके अंडर में मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था, और पहला वाइस रॉय बने थे हमारे लॉर्ड कैनिंग, ये याद रहेगा। 1861 में भी मतलब वही थे। तो ये जो एक्ट पास हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो 62 में लॉर्ड कैनिंग ही थे हमारे वाइस रॉय। तो वो क्या किए थे, अब इंडियन काउंसिल में मतलब बाई फोर्सली उस समय मतलब कुछ कहा गया था, इंडियन लोग कुछ प्रस्ताव रखे थे कि नहीं आप इंडियन काउंसिल में आप इंडियंस को जोड़ो, तो इंडियंस में तीन को सिलेक्ट करके वो इंडियन काउंसिल में शामिल कर लिए थे, जिसमें पहला राजा ऑफ बनारस थे, दूसरा थे राजा ऑफ पटियाला, और तीसरा थे सर दिनकर राव। तो इन तीनों चीज को इन तीनों को याद रखिएगा। और 1862 में मतलब लॉर्ड कैनिंग ही थे वाइसरॉय। तो ये चीज होप सो सबको याद हो गया होगा। अब दूसरा पॉइंट जो था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, दो ही पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट था कि ये डिसेंट्रलाइजेशन मतलब गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के पावर को गवर्नमेंट ऑफ बंगाल और मद्रास में जोड़ दिया गया, मतलब पहले सेंट्रलाइजेशन हुई, उसके बाद अब इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें जो गवर्नर जनरल्स थे, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन के तहत क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो थे उनके पावर को वेस्ट कर दिया गया किन में, तो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल एंड मद्रास, जो बंगाल के गवर्नमेंट थे और मद्रास के गवर्नमेंट थे उनके हाथ में सारा पावर दे दिया गया गवर्नर जनरल का उठा करके। गवर्नर जनरल काउंसिल में जितना पावर्स वगैरह होता है सारा पावर नहीं, मतलब मैक्सिमम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर होता है, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, मतलब सेंट्रल के पास उतना कुछ पावर नहीं बचा था। तो ये हो गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। तो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1892 का, अब इसके अंदर में क्या क्या चीज पास हुआ था उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट था, इसमें पावर ऑफ काउंसिल को मतलब काउंसिल के जो पावर को है वो अलाउ कर दिया गया था, मतलब काउंसिल का पावर, काउंसिल को मतलब पावर दे दिया गया था कि आप बजट के बारे में आप एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, मतलब
जो एक सेकेंड काउंसिल को पावर दे दिया गया था टू एड्रेस अबाउट द बजट, क्या बजट पास हो रही है, क्या मतलब नीड्स है, सारा कुछ के बारे में आप एड्रेस कर सकते हैं, क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव के सामने टू डिस्कस अबाउट द बजट, है ना। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के तहत यही चीज हुआ था कि काउंसिल को पावर दे दिया था कि बजट के बारे में आप खुलकर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव को एड्रेस कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ डाउट्स हो तो आप उनसे क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। और ये दूसरा मतलब इसी एक्ट के अंदर और दूसरा चीज हुआ था उसके बारे में आप अभी लिखते हैं, मतलब अभी समझा रहे हैं। जो इंडिया में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उस चीज को कन्वर्ट कर दिया गया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, ठीक है। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को कन्वर्ट कर दिया गया था आपका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इस सेक्शन में डाल दिया गया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेक्शन में डाल दिया गया था। और ये चीज हुआ था किनके कहने पर, मतलब ये जो कन्वर्ट हो गया आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो ये चीज हुआ था लोकल बॉडीज, जैसे इंडिया में कुछ लोकल बॉडीज हैं, म्युनिसिपैलिटी मतलब म्युनिसिपैलिटी जो होती है उसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और आपका यूनिवर्सिटीज हो गया, लैंडलॉर्ड्स हो गए, जमींदार, इन सभी के कहने पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, इन सभी के कहने पर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ठीक है, इतना क्लियर होगा, मतलब इसमें यही दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब पूछा जाएगा कि हाँ भारत में इतने लोकल बॉडीज हैं, जैसे आपका यूनिवर्सिटीज हो गया, यूनिवर्सिटी के बाद आपका हो गया जमींदार, उनका भी तो कुछ वर्चस्व था, उनके पास वो जमींदारी सिस्टम थी पहले, तो जमींदार थे, आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे, मतलब बहुत कुछ था। वो लोग फोर्सली बोले कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कन्वर्ट कर दो, तो वो कर दिया गया था, ठीक है, इसी एक्ट के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत। अब इसके बाद हम बताएंगे 1909 काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में हम आपको बताएंगे, मतलब ये इंपॉर्टेंट था, यही मतलब जितना जैसे किसी एक्ट में दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, किसी एक्ट में चार पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, हम सारा कुछ आपको बता देंगे। और ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब बहुत कुछ रिफॉर्म्स होते हैं इंडियन लेजिस्लेशन, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो थोड़ा टिपिकल होता है, तो इसके लिए हम वही बोलेंगे कि आप एक नोट्स तैयार करके उस चीज को अच्छे से देखते रहिए, बार बार रिपीट करके देखते रहिए, वो याद हो जाएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। तो हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में बताएंगे, और उसके बाद फिर आपका दो एक्ट और आता है, मतलब तीन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है दो, उसके बाद एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, फिर खत्म। उसके बाद फिर मैं आर्टिकल में जाऊंगा, और आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल में भी मैं मतलब ज्यादा कुछ कहिए तो 395 आर्टिकल्स हैं। अब वहां पर 395 से क्वेश्चन तो पूछते नहीं है, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे प्रीवियस ईयर जो एसएससी के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेनोग्राफर ले लो, सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, जो भी एग्जाम है, काफी क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, और उसमें से सारे आर्टिकल्स को मैं एक जगह इकट्ठा करके रखा हूँ कि हाँ बार बार क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हो रही है, तो उसी चीज से मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं कि नहीं भाई इतना आर्टिकल्स, इट इज वेरी टफ फॉर मी, तो इसलिए मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आर्टिकल्स में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में ही बताएंगे, और उस चीज को याद रखिएगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर कहीं और क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है ना। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ओके। काउंसिल एक्ट 1909, तो इस एक्ट के बारे में ये जान लीजिए कि इसको हम लोग आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, इसको मॉर्ले
मिंटो रिफॉर्म। अब जानिएगा कि ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों हुआ। देखिए ये जो एक्ट पास हुआ है ये 1909 में हुआ, तो मॉर्ले जो थे और मिंटो दोनों दो आदमी है, ऐसा मत समझिए कि दोनों एक ही है। मॉर्ले अलग थे और मिंटो अलग थे। इनका नाम था पूरा जॉन मॉर्ले, जॉन मॉर्ले। और इनका वर्किंग टेन्योर जो था वो 1905 टू 1910 था, ठीक है। ये थे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनका याद रखिएगा कि जॉन मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता मतलब थे, और उनका वर्किंग टेन्योर 1905 टू 1910 था। अब दूसरा जो मिंटो थे उनका नाम पूरा था लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। और ये क्या थे, वाइसराय ऑफ द इंडिया, वाइसराय थे। और इनका भी उसी समय मतलब वही टाइम पीरियड में ये भी थे, मतलब जिस समय एक्ट पास हुआ उस समय का बात है कि मॉर्ले और मिंटो मिलकर के ही कुछ एक्ट पास किए थे। तो इनका मॉर्ले मिंटो एक्ट रिफॉर्म भी जाना जाता है नाम से। तो इनका भी वर्किंग जो आवर था वो 1905 टू 1910 था, ठीक है। तो इतना होप सो क्लियर सबको हो गया होगा। अब इसके बाद हम दूसरा पार्ट में आएंगे। ये तो पहला था, अब दूसरा आएंगे। दूसरा जो था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 16 मेंबर हुआ करते थे, उस 16 मेंबर्स को बढ़ा करके यहां पे 60 मेंबर कर दिया गया था, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म था, नॉन यूनिफॉर्म पार्ट है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 मेंबर्स में कन्वर्ट कर दिए गए थे, ठीक है। और इसमें तीसरा जो पार्ट आता है, मतलब इसमें याद रखिएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को 16 मेंबर पहले हुआ करते थे, उसको 60 मेंबर्स में बढ़ा दिया गया, बढ़ोतरी कर दिया गया उसमें। और तीसरा जो पार्ट है कि इसमें जो थे मतलब आपका ये जो थे, हाँ नाम भूल रहे थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये जो थे पहले सबसे पहले वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को घुसाया गया, मतलब वहां पे एक्ट में यही पास किया गया कि आप वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ इंडियन मेंबर को आप मतलब अंदर लाइए ताकि वो भी कुछ इस रिफॉर्म के बारे में समझे सारा कुछ। तो वहां पर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आए थे, ठीक है। और ये फर्स्ट वाइसराय ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब ये सबसे पहला बार वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने थे, जब इंडियंस को अलाउड किया गया कि आप आइए मतलब आप ज्वाइन कर सकते हो, तो पहला सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ज्वाइन करवाया गया था। तो यही तीन मेन पॉइंट था, इस तीन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग आएंगे द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919, ओके। उसके बाद आपका था फिफ्थ नंबर, द गवर्नमेंट एक्ट 1919। याद रखिएगा जलियांवाला मस्कर हुआ था, जलियांवाला बाग मस्कर हुआ था, मतलब हत्याकांड, एक बहुत बड़ा हत्याकांड था। इसमें और कुछ नहीं जानना है, इसके बारे में हम अब्रॉड हिस्ट्री में आप लोगों को बताएंगे। बस इतना जान लीजिए कि इसको हम लोग मॉन्टे केम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। इसमें इस एक्ट को हम लोग मॉन्टेग केम्सफोर्ड
रिफॉर्म के बारे में के नाम से जानते हैं। अब याद करिएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा कि ये मॉन्टेक भी दूसरा थे, केम्सफोर्ड भी दूसरा, मतलब मॉन्टेक जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, और केम्सफोर्ड थे मतलब लॉर्ड केम्सफोर्ड वो थे क्या, वाइसरॉय ऑफ द इंडिया, वाइसरॉय ऑफ द इंडिया। तो इस रिफॉर्म, अब इस रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, मॉन्टेक, केम्सफोर्ड ये सब था, और दूसरा बात जलियांवाला बाग मस्कर हुआ था, तो इसमें साइमन कमीशन इसी में आता है। 1927 में आपका साइमन कमीशन आ गया था इसी एक्ट के तहत। फिर हंटर कमीशन इंक्वायरी बैठी थी आपका जलियांवाला बाग मस्कर के लिए, वहां हत्याकांड हुआ है तो उसके लिए भारतीय लोग कुछ डिमांड कर रहे थे कि नहीं इस पे कुछ हुआ, मतलब करना चाहिए, ये बहुत गलती है, गलत है ब्रिटिशर्स लोगों का, इतने इतने भारतीयों को सीधा शूट एंड साइट का आदेश देकर उड़ा दिया गया था। तो अब देखिए इसमें हंटर कमीशन का इंक्वायरी बैठा था, इसी एक्ट में इतना कुछ था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं अभी बताएंगे, इसका पार्ट पूरा हिस्ट्री में अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे इस पार्ट को। तो इस एक्ट के बारे में बस इतना ही है ना, साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, सारा कुछ इसी में आता। अब तीसरा पार्ट आता है, तीसरा मतलब ये छठा नंबर एक्ट, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, फिर खत्म है वीडियो। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा छठा नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, अब इसके तहत क्या हुआ था इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें जो काउंसिल था उसको अबॉलिश कर दिया गया था, जो मतलब 1858 का जो गवर्नमेंट एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें काउंसिल बनाया गया था, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखते हैं, उसमें काउंसिल बनाया गया था। अब उस काउंसिल को क्या किया, इस एक्ट के तहत उसको एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट रखिएगा यार कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जो काउंसिल तैयार हुआ था उस काउंसिल को खत्म कर दिया गया, तो मतलब एबॉलिश ऑफ काउंसिल विच इज बीइंग फ्रेम्ड इन एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें सबसे बड़ी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश की गई थी, RBI established, ये पॉइंट याद रखिएगा, VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। RBI किस एक्ट के तहत established की गई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस चीज को याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है SSC में, इवन ये UPSC में भी ये सब क्वेश्चन आता है, बहुत अब्रॉड करके पूछता है, खैर उसमें हमको जाना नहीं है, हम लोग SSC का कर रहे हैं, ज्यादा ऊपर तक के ख्वाब ना देखो आप लोग, बाद में देखा करना, अभी SSC पे फोकस करते हैं हम लोग। तो यहाँ RBI एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और एक चीज आई थी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक, एक सेकेंड, इंक शायद खत्म हो गया, चेंज कर लेते हैं मार्कर। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, वहां तक शायद विजिबल ना हो, वेट, ज्वाइंट PSC लिख देता हूं, पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन था, इसको हम ज्वाइंट क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो चीज आती है, फेडरल एंड प्रोविंशियल, ठीक है। तो ज्वाइंट जो पब्लिक सर्विस कमीशन थी, इसमें एक प्रोविंशियल आती है और फेडरल आती है, फेडरल, और दूसरा जो था प्रोविंशियल, ये दो सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन थे, इसको एस्टेब्लिश किया गया था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल, प्रोविंशियल स्पेलिंग शायद गलत हो गया ना, प्रोविंशियल स्पेलिंग क्या है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें एस्टेब्लिश की गई थी। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है और इसमें नहीं, ठीक है, इतना हो, आप लोग समझ गए होंगे।
हाँ, और एक चीज है इस एक्ट के तहत 1937 में फेडरल कोर्ट भी स्टैब्लिश किया गया था। फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश, ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1937 मतलब इस एक्ट के बाद 1937 में फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था। ये 6 एक्ट हो गया, यही 6 एक्ट इंपॉर्टेंट है, और फाइनल हम लोग इंडिया आजाद हो जाता है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाती है, सुजरेन कंट्री से ये सोवरेन कंट्री में कन्वर्ट हो जाती है। तो फाइनल जो आता है सातवां नंबर है, ये लास्ट है क्राउन रूल का, ये लास्ट पार्ट, ओके, क्राउन रूल का ये लास्ट पार्ट सातवां नंबर। इसे मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा क्योंकि भाई भारत आजाद हुआ है तो इसमें खुशी होती है लिखने में। इंडिपेंडेंस, बहुत दिन से गुलाम थे भारतीय, बहुत स्ट्रगल सहे, बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ी ब्रिटिशर्स लोगों का, तो आखिरकार इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है। तो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था भारत, ठीक है। अब हम लोग भी जानते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इतने 6 एक्ट्स को उठाए भारतीयों ने और अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया। बेवकूफ तो थे नहीं भारतीय भाई, इतना टैलेंटेड थे तभी तो आजादी पाए, सुजरेन कंट्री से सॉवरेन कंट्री में कन्वर्ट हो गए, सारा सत्ता अपने हाथ में ले लिए, सारा चीज मतलब हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, तुम लोग यहां से जाओ, बहुत दिन यहां रह लिए, बहुत दिन व्यापार कर लिए, अच्छा खासा पैसा कमा लिया, अब निकलो यहां से, ठीक है। तो सबसे बड़ा बात है इसमें जो लास्ट वायसराय थे, इस पॉइंट में आप याद रखिएगा, लास्ट जो वायसराय थे ये कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। इस समय भारत को आजादी मिली थी जब ये लास्ट वायसराय थे इंडिया के, मतलब ब्रिटिश इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद फिर सी आर दास आए, मतलब फ्री इंडिया के वायसराय बने थे। उसके बाद फिर पीएम फॉर्म हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सब सारे लोग एज अ प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए, तो सारा कुछ यही था। और इसमें बस यही इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो हो गई वो सुवरेन कंट्री। सोवरेन और सुजरेन के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, सोवरेन क्या है और सुजरेन क्या है, इसमें बताने की कोई और कोई मतलब जरूरत नहीं है फिर से। तो इंडिया सुजरेन कंट्री हो गई। चलिए यहां तक खत्म था। अब बस प्लीज हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, मतलब आप लोगों के लिए इतना, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कर सकते हैं आप, जितना से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग गरीब बच्चों के लिए ये सब चीज करवा रहे हैं। जैसा है कि प्रीवियस वीडियोज में सर बता दिए होंगे, रवि सर है, मतलब सॉरी राहुल सर है, दया सर है, रुपेश सर है, सारे लोग बता दिए होंगे कि ये मतलब यहाँ दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर जितना कर सकते हैं, ताकि एक बार ज्ञान बांटो, किसी को एक राह दिखाओ कि हाँ भाई तू भी पढ़ ले, तभी कुछ आगे हो सकता है। ऐसे अकेले सेल्फिशनेस से कुछ नहीं होगा, सेल्फिश रहोगे तो आप आज के लिए सेल्फिश हो, आगे आपके लिए कोई और सेल्फिश हो सकता है। इसलिए अभी से अगर आप उसके लिए कुछ करोगे तो वो भी आपके लिए कुछ दिमाग में एक कॉर्नर में एक जगह रखेगा, मतलब याद रखेगा कि हाँ उसने हमारी मदद की थी, हम भी उसका मदद करेंगे। तो ठीक है, इस चीज को सब्सक्राइब कीजिए जरूर, ताकि हम लोग को मदद मिले। अब सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कहाँ से हम लोग मतलब वीडियोज अपलोड कर देंगे, करते रहेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोज डालते रहेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स क्लियर करते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस चीज को सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें, बगल में है वहां पे क्लिक कर दीजिए, पता चलते रहेगा, जितना भी नया अपडेट्स आते रहेगा। अभी काफी एग्जाम सिलेक्शन का टाइमिंग है, काफी फॉर्म आने वाला है, एग्जाम्स आएगा उस समय आप मतलब सारा अपडेट्स पाते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।